हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने स्टैटिस्टिक्स में मीन पता करने के मेथड्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि अगर सिंपल आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो दैट इज़ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देन हमने पढ़ा था कि अगर फ्रीक्वेंसीज गिवन हो तो मीन विल बी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देन वी टॉक्ड अबाउट अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें क्या था कि एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देन वी टॉक्ड अबाउट स्टेप डेविएशन मेथड। इन स्टेप डेविएशन मेथड इट वॉज ए प्लस एच इन टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो हमने दो क्वेश्चन भी किए थे, एक या दो क्वेश्चन भी किए थे। आपको होप आपको वहाँ से क्लियर हो गया होगा कि वट इज़ द मेथड टू फाइंड आउट द मीन ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन गिवन टू यू। नाउ सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दैट कुड बी दैट देयर कुड बी मीन विल बी गिवन टू यू एंड सम मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मिसिंग फ्रीक्वेंसीज विल बी गिवन टू यू। ओके, सम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज विल बी गिवन टू यू। तो हाउ टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, आज हम उसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे क्लास इंटरवल्स गिवन है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। तो लेट अस सपोज दीज आर माई क्लास इंटरवल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर 7, 6, 9, 13, F5 and 4। ओके, द क्वेश्चन इज इफ विद दिस डाटा, इफ मीन ऑफ दिस डाटा इज 18, मीन ऑफ दिस डाटा इज गिवन एज 18 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सेटिस्फाइंग द कंडीशन दैट मीन ऑफ दिस डाटा इज 18 ओवर। ओके, तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस मेथड से चलेंगे। हमें पता है कि एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एच इन टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना होगा। एक्स आई मैंने आपको बताया था क्लास मार्क कैसे निकालना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू। तो 13 प्लस 11 दैट इज़ 24 बाई 2, 12, 13 प्लस 15 बाई 2, 14, 15 प्लस 17 बाई 2, 16, 17 प्लस 19 बाई 2, 18, 19 प्लस 21 बाई 2, 20, 21 प्लस 23 बाई 2, 22, एंड 23 प्लस 25 बाई 2 दैट विल बी 24। देन अज्यूम्ड मीन मेथड में मैंने आपको बताया था विल हैव टू टेक द मिडल वैल्यू। तो दीज टोटल आर 7, तो 1 2 3 1 2 3, तो मिडल वन विल बी 18। तो वी टुक मीन एज अज्यूम्ड मीन एज 18। नेक्स्ट स्टेप क्या था, वी हैव टू कैलकुलेट द डेविएशंस दैट इज एक्स आई माइनस ए। तो 18 माइनस 12 विल बी -6, 18 माइनस 14 विल बी -4, 18 माइनस 16 विल बी -2, एंड 18 माइनस 18 विल बी 0। देन 20 माइनस 18 विल बी 2, 22 माइनस 18 विल बी 4, एंड 24 माइनस 18 विल बी 6। ओके, देन आपको बताया था देर विल बी सम कॉमन फैक्टर्स जो आप एच की फॉर्म में लोगे। तो एच पता करने के लिए हमें क्या करना था, सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एच की वैल्यू कितनी है, 2। तो यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो -6 अपॉन 2 विल बी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ यू आई। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इज एफ आई इंटू यू आई। तो 7 इंटू -3 इज -21, 6 इंटू -2 इज -12, 9 इंटू -1 इज -9, देन 13 इंटू 0 इज 0, F इंटू 1 इज F, 5 इंटू 2 इज 10, एंड 4 इंटू 3 इज 12। सिग्मा एफ आई यू आई विल बी -21, -12, -9 विल बी -42, एंड +30 +22। ओके, -42 +22, तो दैट विल बी -22, एंड प्लस एफ विल बी हियर। ओके, तो दिस इज द सम फॉर सिग्मा एफ आई यू आई। दूसरी हमें चीज़ चाहिए होती है सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई बिकम्स 44 प्लस F, सिग्मा एफ आई बिकम्स 44 प्लस F। तो हमें फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला क्या था कि एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन, मीन जो गिवन है हमें दैट इज 18, एज्यूम्ड मीन भी हमारा 18 था। तो +2 इंटू -22 प्लस F अपॉन 44 प्लस F। ओके, तो 18 माइनस 18 दैट विल बी 0, 0 डिवाइडेड बाई 2, नाउ दैट विल ऑल्सो भी 0। नाउ दिस विल एंड अप लाइक दिस। ये हमें क्या बताएगा कि -22 प्लस F अपॉन 44 प्लस F इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई फ्रैक्शन 0 हो रही है तो सिंपल इसका मतलब क्या है कि न्यूमिरेटर इज इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर अगर 0 होएगा तो दैट विल बी एन अनडिटरमिंड फॉर्म, तो न्यूमिरेटर शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अगर एफ -22 प्लस F इज इक्वल्स टू 0 है, दिस इम्प्लाइज F इज इक्वल्स टू 22। ओके, तो इन दिस वे विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द मिसिंग फ्रीक्वेंसी दैट विल बी गिवन टू।
अब अगर एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गिवन, एक से ज़्यादा मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो मतलब आपके पास क्या बनेगा, देर विल बी टू इक्वेशन। जितने वेरिएबल्स आपको पता करने के लिए बोले जाएंगे, उतनी ही आपने कंडीशंस बनानी है। कंडीशन से कहने का मतलब है कि उतनी ही इक्वेशंस बनानी है आपने वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। लेटा सपोज F1, लेटा सपोज ये भी मिसिंग होता और यहाँ पे क्या होता F2, तो तब आपको एक कंडीशन भी और गिवन होगी। कंडीशन कौन सी गिवन होगी, आपको सिग्मा Fi गिवन होगा। ठीक है, आपकी NCERT में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि आपको सिग्मा Fi भी गिवन होगा उस तरह के क्वेश्चन में। बाकी सब चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आएगी, एक सिग्मा Fi से आएगी, एंड विल बी एबल टू बोथ सॉल्व बोथ द इक्वेशन, दैट विल बी अवर आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन डाटा एंड कॉरस्पॉन्डिंग मीन इज गिवन टू यू। तो आपने सब वही वैसे ही करना है, सिंपल जो लास्ट में इक्वेशन करेगी मिलेगी हमें, उस इक्वेशन को सॉल्व करके देर विल बी आंसर। ओके, देन नेक्स्ट विल नाउ मूव टू सेकेंड टॉपिक ऑफ अवर स्टैटिस्टिक्स, दैट विल बी मोड, दैट विल बी मोड, मोड ऑफ गिवन डाटा। ओके, तो मोड की बेसिक डेफिनेशन आपको, बेसिक मीनिंग आपको पता होगा कि व्हाट इज मोड। मोड क्या है, द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम गिवन डाटा विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम गिवन डाटा विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी समझाया था कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज कि उस ऑब्जर्वेशन की रेपिटेशंस कितनी है। लेट अस सपोज अगर आप मार्क्स की बात कर रहे हो, क्लास में 50 में से बच्चों के कितने मार्क्स आए, अगर 5 बच्चों के 10 आए हैं, 10 बच्चों के 15 मार्क्स आए हैं, एंड लेट अस सपोज देर आर 50 स्टूडेंट्स, दोज हु आर गेटिंग 45, तो जो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन हमारा मोड है, दैट क्या, वो क्या हुआ, 45, क्योंकि 45 ऐसे मार्क्स हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आए हैं, है ना। तो 45 मार्क्स हमारा क्या आएगा, दैट विल बी द मोड। ओके, तो मोड ऑफ गिवन डाटा विल बी ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी द मोड ऑफ गिवन डाटा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब भी आप लिख लीजिए, दैट मीन्स इट इज हाईली रिपीटेड, मतलब वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, ये रिपीटेड अपने पास ऑब्जर्वेशन होगी, दैट ऑब्जर्वेशन विल बी कॉल्ड दिस मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ओके, ओके, देन लेट अस सपोज अपने पास एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मोड ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन। किस तरह से मोड अगर आप पता करना चाहो तो हाउ विल बी कैलकुलेटिंग द मोड ओवर हियर। लेट अस सपोज मेरे पास एक्स आई की वैल्यूज़ हैं। ओके, लेट अस सपोज मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन एक्स आई, दीज आर 10, 12, 14, देन 16, देन 80 एंड देन 280। लेट अस सपोज दीज आर द ऑब्जर्वेशन गिवन टू मी, एंड देर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 4, 1 एंड 9। ओके, तो अगर आपसे बोला जाए कि वट विल बी द मोड ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, तो मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखने के लिए अगर आपको इस तरह से डाटा गिवन है, डिस्क्रीट वैल्यूज गिवन है, कि आपको एक्स आई की वैल्यू गिवन है और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू गिवन है, तो मोड पता करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, आपने सिंपल उस जगह पे जाना है, उस ऑब्जर्वेशन पे जाना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ओके, तो हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस ऑब्जर्वेशन की है, 20 की, तो मींस मोड इज 20। ओके, मोड इज 20, देन 20 कुड बी मार्क्स ऑल्सो, दैट कुड बी हाइट ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है, दैट कुड बी वेट ऑल्सो, दैट कुड बी एज ऑल्सो। तो जिस तरह की भी ऑब्जर्वेशन गिवन होगी, मोड ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन इज कमिंग आउट टू बी 20 ओवर। ओके, नाउ जो काम की बात है वो शुरू करते हैं हम। काम की बात क्या है कि इफ डाटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स। ओके, अगर डाटा हमें क्या गिवन है, इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स, देन हाउ टू कैलकुलेट द मोड ऑफ दैट डाटा। ओके, तो सेकंड पार्ट मोड में बन जाता है। फर्स्ट पार्ट तो आपने सिंपल देख लिया, अगर ऑब्जर्वेशंस और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो जिस ऑब्जर्वेशन की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी द मोड ऑफ अवर ऑब्जर्वेशन। बट सेकेंड पार्ट इज जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इफ डाटा
इज़ गिवन, डेटा इज़ गिवन इन फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स। अगर वो क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में हमें डाटा गिवन है, देन हाउ टू डील विद इट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोडअप। लिख लीजिए फॉर्मूला क्या होगा, मोड विल बी इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। मोड विल बी इक्वल्स टू एल कंप्लीट एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। इस चीज़ का मतलब भी आपको समझाऊंगा। ओके, लिख लीजिए आप नोटेशंस का मीनिंग क्या है। एल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास, और उसकी लोअर लिमिट होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एल। एच विल बी इक्वल्स टू क्लास साइज, एच विल बी क्लास साइज। एफ वन विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑफ मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। एफ नॉट विल बी, तीन हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है, एफ नॉट एफ वन एफ टू। एफ वन विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ओके, एंड एफ टू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास का मतलब कि मॉडल क्लास से पिछले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, एंड सक्सीडिंग द मॉडल क्लास मीन्स मॉडल क्लास से आगे आने वाली यानी कि नेक्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी एफ टू, उससे पिछले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट विल बी एफ नॉट, एंड उस पर्टिकुलर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट विल बी एफ वन। एच विल बी क्लास साइज एंड एल विल बी द लोअर लिमिट ऑफ दैट मॉडल क्लास। ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारे पास वो होगी क्लास विच हैव हाइस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, सिंपली इट विल बी द क्लास विच हैव हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, इट विल बी द क्लास विच हैज हाइस्ट हाई फ्रीक्वेंसी दैट विल बी कॉल्ड एज मॉडल क्लास। दोबारा रिपीट करते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कैसे पता करनी है, दैट विल बी द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देन देयर विल बी क्लास साइज विच इज एच, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास विल बी एफ वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास विल बी एफ नॉट, सॉरी एफ नॉट, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास विल बी एफ टू। नाउ हम फॉर्मूला का यूज़ देखेंगे विद अ स्मॉल एग्जाम्पल। ओके, लेट अस सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, आपकी बुक में से ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेट अस सपोज क्लास इंटरवल्स मुझे गिवन है, क्लासेस गिवन है 1 2 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 11। लेट अस सपोज दीज आर द क्लास इंटरवल्स गिवन टू मी एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर, फ्रीक्वेंसीज का गिवन है 7 8 2 2 and 1, the corresponding frequencies are 7 8 2 2 and 1. We'll have to find the mode of this particular class. The mode के लिए सबसे पहले मुझे क्या देखना है, मुझे मॉडल क्लास देखनी है। मॉडल क्लास का मतलब है the class having maximum frequency, the class having maximum frequency. तो class having maximum frequency is this one, the class having maximum frequency is this one. So what was the value of L? L is lower limit of modal class. The lower limit of modal class means that will be 3. The lower limit of modal class means that will be 3. Then there was H. H is equals to class size. Class size हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सभी classes का size कितना, upper limit minus lower limit, that is 2. Then there is F1. F1 is frequency of class of model class, frequency of model class, so that will be equals to 8. Then there is f naught, that is
फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास का मतलब दैट विल बी इक्वल्स टू 7, उससे पिछले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 7, एंड देयर विल बी F2 विच इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एक्सीड सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो 5 to 7 दैट विल बी इक्वल्स टू 2. तो दीज आर द वैल्यूज फॉर द डिनोशंस. ओके, तो मोड का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा, मोड का फॉर्मूला क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा याद करने में फॉर्मूला, लेकिन आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा. आप एक दो क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा कि फॉर्मूला में कैसे फ्रीक्वेंसीज अरेंज हैं और व्हाट इज़ द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ दोज ऑल फ्रीक्वेंसीज. तो एल की वैल्यू हमने देखी, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू F1 माइनस F0 विल बी 8 माइनस 7 दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2F1, 2F1 मीन्स 16 माइनस F0 दैट मीन्स 7 माइनस F2 दैट मीन्स 2 इंटू H इज 2, तो दैट विल बी 3 इंटू 1 अपॉन 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 मीन्स दैट विल बी 7. ओके, तो दैट विल बी 7, सॉरी 7 इंटू 2. ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, तो कैलकुलेशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 3, सॉरी हेयर इट इज एल प्लस, तो हेयर इट विल बी एल प्लस, तो दैट विल बी एल प्लस, तो 3 प्लस 2 अपॉन 7, दिस विल टर्न टू 3.286. सो दिस विल बी द मोड ऑफ अवर गिवन ऑब्जर्वेशंस. ओके, दिस विल बी द मोड ऑफ दिस अवर गिवन ऑब्जर्वेशंस. तो मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ पता होनी चाहिए, आपको पता करनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास पता करने के बाद आपको पता करना है कि उसकी लोअर लिमिट क्या है. फिर एक बार आपने मॉडल क्लास पता कर ली तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके पिछले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे अगले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी तीनों फॉर्मूला में सिंपली पुट करनी है, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द मॉडल क्लास मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. ओके, नाउ विल प्रैक्टिस वन अनदर क्वेश्चन ऑफ मोड, फिर हम आगे चलेंगे. ओके, let us suppose the question is class intervals are given, that is 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, then it is 4000 to 4500 and 4500 to 5000. Okay, corresponding frequencies are also given, that is 24, then it is 40, then it is 33, then it is 28, then it is 30, then it is 22, 16 and 7. आपको क्या पता करना है इस ऑब्जर्वेशन का, इन ऑब्जर्वेशंस का मोड पता करना है. ओके, तो मोड पता करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगी, मॉडल क्लास चाहिए होगी. मॉडल क्लास मतलब ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा, सबसे 24 से लेके 7 तक अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दैट एग्जिस्ट फॉर 1500 टू 2000, दैट एग्जिस्ट फॉर 1500 टू 2000, दैट एग्जिस्ट सिंपली फॉर 1500 टू 2000. ओके, तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, एल. एल की वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1500. ओके, देन इट इज एच. एच इज क्लास साइज, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 500. एच इज क्लास साइज, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 500. देन देर इज F1. F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 40. F0 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 24. And F2 will be frequency of class exceeding the model class, so that will be equals to 33.
तो मीन विल बी इक्वल्स टू सिंपल सॉरी मीन मोड विल बी इक्वल्स टू एल विच इज 1500 प्लस F1 माइनस F0, तो दैट मीन्स 40 माइनस 24 अपॉन 2F1, 2 × F1 यानी कि 2 × 40 मीन्स 80 माइनस F0 माइनस F2, माइनस F0 मीन्स 24 माइनस 33 इंटू H विच इज 500। ओके, तो नाउ सॉल्विंग दिस कैलकुलेशन इट विल बी 1500 प्लस 40 माइनस 24 विल बी 16 अपॉन 24 प्लस 33, व्हाट इट विल बी? एटी माइनस 57, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 23 इंटू 500। ठीक है, दैट विल बी 16 अपॉन 23 इंटू 500। ओके, तो आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा पॉइंट्स में लेके जा सकते हो फर्दर, जितना भी आप सिंप्लीफाई करना चाहो पॉइंट्स में। आप जब आप आंसर दोगे तो दैट विल बी अवर एग्जैक्ट आंसर। तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे आपको खुद करनी है एंड यू हैव टू राइट द आंसर। ओके, तो दिस इज़ हाउ टू कैलकुलेट द मोड ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला के अलावा इसमें कोई ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं है, सिंपली यू विल हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ओवर द। ओके, अदर वेरिएशन दैट कुड बी देयर, हम देयर इन मोड, जैसे हमने मीन में देखा कि देयर कुड बी मिसिंग ऑब्जर्वेशंस, तो हम मिसिंग ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मोड के क्वेश्चन में देयर विल नॉट बी सच वेरिएशन, वहाँ पे एन सच वेरिएशन नहीं होगी। ओके, तो सिंपली यू विल हैव टू यूज़ द फॉर्मूला, फॉर्मूला में अपने वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। ओके, तो दैट इज़ अबाउट द मोड ओवर हियर। तो पहले हमने मीन की बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट मोड। मोड के लिए सिंपल एक फार्मूला, आपने उस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मीडियन, मीडियन ऑफ गिवन डाटा। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का सिंपल सा मतलब है मिडल ऑब्जर्वेशन। मीडियन का मतलब है सिंपल, दैट इज मिडल ऑब्जर्वेशन, सेंटर वाली जो ऑब्जर्वेशन है दैट विल बी कॉल्ड एज मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। सेंटर वाली ऑब्जर्वेशन है दैट विल बी द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। ओके, तो लेट अस सपोज हमारे पास कुछ, ये मैं एक एग्जाम्पल से मिडल ऑब्जर्वेशन समझाने की कोशिश करूँगा आपको। लेट अस सपोज मेरे पास सेवन ऑब्जर्वेशन है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड दूसरी एग्जाम्पल में मेरे पास A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6, छः ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन में मेरे पास सेवन ऑब्जर्वेशन हैं पहली एग्जाम्पल में, और दूसरी एग्जाम्पल में मेरे पास सिक्स ऑब्जर्वेशन हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सेवन ऑब्जर्वेशन का मिडल आपको सिंपल ही दिख रहा कि अगर मैं A4 को मिडल देखता हूँ तो इस साइड भी कितनी ऑब्जर्वेशंस बचती हैं? तीन। इस साइड भी कितनी ऑब्जर्वेशंस बचती हैं? तीन। लेकिन अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास सिक्स हैं और मैं A4 को कंसिडर करूँ तो इस साइड कितनी बची? दो। इस साइड कितनी बची? तीन। अगर मैं A3 को कंसिडर करूँ तो इस साइड कितनी बची? दो। और इस साइड कितनी बची? तीन। मतलब क्या पता चला कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑड। अगर सेवन थी तो कौन सी थी? मिडल फोर्थ, यानी कि 7 + 1/2, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन वॉज द मिडल। ओके, तो लेट अस सपोज अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है? एन, यानी कि और एन इज ऑड, या आपसे एन इज ऑड, देन मीडियन कौन सी आएगी? मिडल ऑब्जर्वेशन कौन सी आएगी? n + 1/2। सपोज 11 है तो 11 + 1/2 यानी कि सिक्स ऑब्जर्वेशन आएगी। 15 है तो 15 + 1/2 यानी कि एट्थ ऑब्जर्वेशन विल बी द मिडल। ओके, बट इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, यानी कि n इज इवन, तब हमने देखा कि सिक्स्थ में से कौन सी आ रही थी? थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड क्या थी?
सिक्स बाई टू एंड देन इट वॉज सिक्स बाई टू प्लस वन. सिक्स बाई टू यानी थर्ड, सिक्स बाई टू यानी थ्री प्लस वन दैट वॉज फोर. तो अगर एन इज इवन तो मीडियन विल बी, मीडियन क्या होगा, मीडियन विल बी एन प्लस, यहाँ पे मीडियन एन प्लस वन बाई टू ऑब्जर्वेशन विल बी अवर मीडियन. तो यहाँ पे मीडियन क्या होगा, दैट विल बी एवरेज या मीन ऑफ, एवरेज ऑफ एन बाई टू एंड एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे आपको दो ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेंगी. अगर एन क्या है, इवन है, तो एन बाई टू पता करना है और एन बाई टू प्लस वन पता करना है. दोनों का जो एवरेज होगा दैट विल बी अवर मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, दैट विल बी द मीडियन ऑफ गिवन डाटा. ओके, तो एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं. लेट अस सपोज देयर इज स्मॉल एग्जाम्पल, एक्स आई की वैल्यूज गिवन है मुझे, दैट इज 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 एंड 25. कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लेट अस सपोज मुझे गिवन है 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1 एंड 20. लेट अस सपोज दीज ऑब्जर्वेशंस आर गिवन टू मी एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन टू मी. ओके, तो अब अगर इसका मीडियन कैलकुलेट करना है मैंने, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होगी, दैट इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स आई की वैल्यूज बना लेते हैं सबसे पहले. मार्क्स ऑब्टेंड या एक्स आई की वैल्यू हम बना लेते हैं. एक्स आई की वैल्यू हमें क्या गिवन है, एक्स आई की वैल्यू है 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 एंड 43. लेट अस सपोज दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स आई. ओके, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास एफ आई इज गिवन टू यू, दैट इज 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2 एंड 1. तो अगला टेबल क्या होगा, दैट विल बी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको इसी एग्जांपल से समझा दूंगा कि व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन का जो ऑर्डर लिखा है वेदर इट इज़ असेंडिंग या मिक्सअप तो नहीं है. अगर हम देखें तो दैट इज़ अ कंप्लीट असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ऑब्जर्वेशंस बढ़ती जा रही हैं, तो हमें उसके बारे में सोचने की कोई दिक्कत नहीं है. ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर हेयर आर 100. अगर आप इनका सम करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हेयर आर 100. ओके, 100 अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, तो हमें पता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 हैं, तो हमने इवन की केस में पढ़ा कि 100 बाई 2 एंड 100 बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा दैट विल बी अवर मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि 50th एंड 51st ऑब्जर्वेशन दोनों का क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी, दैट विल बी अवर आंसर. बट हम 50th और 51st ऑब्जर्वेशन कैसे पता करेंगे, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, अब देखिए क्या मतलब क्या है इसका. फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है कि 6 ऑब्जर्वेशंस, मतलब फ्रीक्वेंसी 6 होने का मतलब है कि 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 बार. तो मतलब कि पहली 6 जो ऑब्जर्वेशंस हैं दोज आर 20, पहली 6 ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है 20. ओके, देन इट सेज अगली 25 ऑब्जर्वेशंस क्या है, सॉरी अगली 20 ऑब्जर्वेशंस क्या है 25, मतलब नेक्स्ट 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 25. तो हेयर इट विल बी 6, 6 आपने एज इट इज लिखना है, 6 प्लस 20 दैट विल बी 26. देन इट सेज नेक्स्ट 24 ऑब्जर्वेशंस आर 28, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 26 प्लस 24
तो दैट विल बी इक्वल्स टू 50। देन अगली 28 ऑब्जर्वेशंस क्या है, 29 है, तो 50 प्लस 28 दैट विल बी इक्वल्स टू 78। देन अगली 15 ऑब्जर्वेशंस क्या है आपके पास, 33, तो 78 प्लस 15 15 विल बी इक्वल्स टू 93। अगली 4 ऑब्जर्वेशंस क्या है आपके पास, 38, तो दैट विल बी 97, 97 प्लस 2 दैट विल बी 99, एंड 99 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 100। ओके, सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब आपने देखना है, अब यहाँ से आपको क्या पता चला, आपने कौन सी ऑब्जर्वेशन देखनी थी, 50th ऑब्जर्वेशन और 51st ऑब्जर्वेशन। तो ये आप देखने के लिए कहाँ पे जाओगे, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में जाओगे। ओके, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि पहली 6 ऑब्जर्वेशन क्या थी, 20। सेवन्थ से लेके 26th ऑब्जर्वेशन तक सारी क्या थी, 25। लेकिन 27th से लेके 50 तक कौन सी थी, 28। 27 से लेके 50 तक, 27th नंबर से लेके 50th नंबर तक सारी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, 28। तो दैट मीन्स 50th ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारे पास, 28। ओके, और आगे पता क्या चल रहा है, 51 से लेके 78 तक सारी की सारी क्या थी, 29। तो मतलब 51st ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारे पास, 29। तो दैट मीन्स मीडियन विल बी सिंपली 28 प्लस 29 बाई, मीडियन विल बी 28 प्लस 29 अपॉन 2, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 57 अपॉन 2, दैट विल बी द मीडियन। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने अगर 50th ऑब्जर्वेशन देखनी है, तो आपने पता करना है कि अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं पे 50 एग्जैक्ट लाई कर रहा है तो वो वाली ऑब्जर्वेशन, और 51st उससे अगले वाली ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से अगर 49th होती तो इससे पिछले वाली ऑब्जर्वेशन। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है। देन आप देख, लेट अस सपोज मुझे कौन कौन सी चाहिए होती, मुझे 40th 41st ऑब्जर्वेशन चाहिए है। 40th ऑब्जर्वेशन आप बताइए मुझे कौन सी होगी। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 27th से 50 तक सारी की सारी ऑब्जर्वेशन कौन सी हैं, पहले 6 हैं 20, 6 से लेके 26 तक कौन सी हैं सारी, 25, 27 से लेके 50 तक सारी की सारी क्या हैं, 28। तो मतलब 40th ऑब्जर्वेशन भी 28 है और 41st ऑब्जर्वेशन भी क्या है, 28 है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे, मीडियन कैलकुलेट करना क्लास इंटरवल के लिए वो भी हम सीखेंगे। तब तक आप मीन और मोड के क्वेश्चंस जो भी आपकी बुक में गिवन है आप सारे सॉल्व कीजिए। जो भी आपको डाउट होगी आप चैट बॉक्स में कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।